तो दोस्तों फाइनली बैच इन द बर्लिन आ चुका है, लेकिन सबको ये जानना है कि बैच इन द बर्लिन में क्या रूमरिक्स आएंगे या नहीं। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बैच इन द बर्लिन के रिजल्ट भी बताऊंगा। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आइए मैं आप लोगों को बैच इन द बर्लिन के रिजल्ट बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में, और ये मैच हो रहा है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है, सबसे ज्यादा क्या 100% चांस ये है कि गुंथर रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे, क्योंकि WWE ने गुंथर को अभी पुश देना शुरू किया है और गुंथर का ये पहला टाइटल डिफेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि गुंथर हार सकते हैं। डैमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ले वर्सेस लिव मॉर्गन और डोमिनिक का मैच हो रहा है, और इस मैच में डैमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ले जीतेंगे, क्योंकि वो पहले भी अपना सब कुछ हार चुके हैं, तो अभी इस मैच को जीत के वो अपना पुश को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। पुश से याद आया सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांस सीएम पंक के हैं, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर एक मैच जीत चुका है, तो अब सीएम पंक को दूसरा मैच जीतना पड़ेगा, तब इनका तीसरा मैच जाके होगा। तो इस मैच के विनर बन सकते हैं सीएम पंक। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल यानी के कॉडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के मैच में कौन जीतेगा। बैच इन द बर्लिन के जो सारे टाइटल्स मैच है वो एकदम प्रिडिक्टेबल है। कॉडी रोड्स और केविन ओवेंस के मैच में 110% इस बात के चांसेस है कि कॉडी रोड्स जीतेंगे। तो ये होता है बैच इन द बर्लिन का रिजल्ट खत्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बैच इन द बर्लिन में द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रीन्स रिटर्न आएंगे या नहीं। देखिए बैच इन द बर्लिन में रोमन रीन्स रिटर्न आएंगे या नहीं, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि सोलो क्या बैच इन द बर्लिन में आएंगे या नहीं। अगर सोलो ने रिटर्न आके कॉडी रोड्स के जीतने के बाद कॉडी रोड्स के ऊपर अटैक कर दिया, तो फिर रोमन रीन्स वहाँ पर सोलो को सबक सिखाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर सोलो सिखवा नहीं आए तो फिर रोमन रीन्स के भी आने के चांसेस बहुत कम है। तो अभी भी एक सवाल है कि रोमन रीन्स बैच इन द बर्लिन में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए रोमन रीन्स अभी अभी WWE में आए हैं। WWE अभी रोमन रीन्स और सोलो सिखवा यानी कि रोमन रीन्स और ब्लड लाइन के सेगमेंट को अभी बहुत लंबा खींचेगी। अभी उन्हें बस क्रिएट करना है, अभी इन्हें इस सेगमेंट को लंबा खींचना है। अगर रोमन रीन्स हर बार जल्दी जल्दी आते गए तो ये सेगमेंट तो तुरंत खत्म हो ही जाएगा। तो इसलिए इस सेगमेंट को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, थोड़ा और बस बनाने के लिए, थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए सेगमेंट के लिए रोमन रीन्स को बैच इन द बर्लिन में नहीं बुलाया गया। लेकिन ये WWE यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कॉडी रोड्स के ऊपर सोलो सिकवा अटैक कर देते हैं तो उसके बाद फिर रोमन रीन्स आ सकते हैं, और शायद रोमन रीन्स अकेले ना आए, रोमन रीन्स के साथ रहे उनकी ब्लड लाइन यानी कि जिमी उसो, ताला टुंगा, जिला फाटू, ये सारे भी रोमन रीन्स के साथ रह सकते हैं, और पॉल हेमन भी। और अगर WWE को बैच इन द बर्लिन को सुपर हिट बनाना है और बैच इन द बर्लिन को ऐसा बनाना है जिसे WWE फैंस लंबे टाइम तक नहीं भूल सकते, तो शायद वो ये भी कर सकते हैं कि डीन एम्ब्रोस रोमन रीन्स के साथ बैच इन द बर्लिन में रिटर्न आ जाए। अगर ऐसा होता है तो WWE की TRP इतनी ऊपर जाएगी जिसकी उम्मीद किसी ने भी अभी तक नहीं की होगी। सोचिए बैच इन द बर्लिन में शील्ड रीयूनाइट हो जाएगी तो फिर कितना मजा आएगा। वैसे इस बात के चांसेस काफी कम है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप लोग द शील्ड का रीयूनाइट बैच इन द बर्लिन में देखना चाहते हैं या नहीं, और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि बैच इन द बर्लिन के किस मैच के लिए आप लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। तो इन सारे सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।